माहौल आज जो दिल्ली के अंदर पूरे देश में एक खौफ का डर का माहौल भाजपा ने बना के रखा हुआ है, चाहे वो दलित वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो व्यावसायिक वर्ग हो या सर्विस क्लास हो, झुग्गी झोपड़ी वाला हो, ठेली पटरी वाला हो, कोई भी व्यक्ति है आज वो खौफ के माहौल में जी रहा है। कब उसकी गोली को छीन ली जाए, कब उसे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया जाए। जैसा आपको जानकारी है कि जब इन्होंने नोटबंदी की तो 100 से ज़्यादा लोग लाइनों में लगे हुए मर गए, परंतु इनके पास कोई भी काला धन नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने GST लगा दी, जिसमें ना जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर लिया, अपना व्यापार बंद कर दिया से इस वजह से कि उनकी रोजी रोटी छिन गई GST के बाद। अब ये नया दिल्ली के अंदर इन्होंने पूरा जो व्यापारी वर्ग भाजपा का वोटर कहा जाता था कि भाजपा की बॉन्ड है, ये बैक बॉन्ड है व्यापारी वर्ग, आज इन्होंने अपने ही उस आदमी के पीठ पे खंजर खोंप दिया जो इसके साथ खड़ा हुआ था। व्यापारी वर्ग के साथ इन्होंने जो धोखा किया है, जो जुमलेबाजी की है, उनसे रोजी रोटी छीनी है, इसका हरजाना इन्हें भुगतना पड़ेगा। आज पूरी दिल्ली के अंदर जो बड़े व्यापारी हैं, 300 से अधिक संगठन है जिन्होंने आज दिल्ली का बंद का ऐलान किया था, आज हम उन सबके समर्थन में उतरे हैं। इन व्यापारी वर्ग, इन ठेली पटरी वालों के समर्थन में उतरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो कहाँ देश बचेगा। आज हालात इन्होंने ऐसे कर दिए, भाजपा सरकार ने दिल्ली के अंदर जबरदस्ती कन्वर्जेशन चार्ज वसूला जा रहा है। पिछले 10 सालों में 1000 करोड़ कन्वर्जेशन चार्ज जमा हुआ था, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। कन्वर्जेशन चार्ज जब लिया जाता है उसको पहले सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं किसी भी मार्केट को, वहाँ पीने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें जब होती है तब कन्वर्जेशन चार्ज दिया जाता है। BJP सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और आज आप लोग रोड में देखिए, बिल्कुल उनका जो नारा था वो जुमलेबाजी नारा था, वो वापस हो गया कि सबका साथ सबका विकास तो नहीं है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, सबकी रोजी रोटी छीन ली जा रही है, बंद कर दी जा रही है, चाहे किसी भी वर्ग से हो। मैंने अभी आपको बताया जैसे दलितों पे अत्याचार लगातार हो रहा है, व्यापारी वर्ग पे अत्याचार हो रहा है, सीलिंग करके पूरी दिल्ली की मार्केट को ख़त्म कर दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर। इसीलिए आज व्यापारी जो है उसके समर्थन में हम लोग भी उतरे हैं कि हमारे यहाँ छोटा व्यापारी वर्ग है, कि इसको ज़्यादा नुकसान ना हो, कहीं सीलिंग हो तो हम उसके साथ खड़े हों। क्योंकि गोल्डी में भी बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो इन्होंने सील की। इसके बाद ये FDI लेकर के आ रहे हैं, FDI वही चीज़ है जो आज से 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वही सेम प्रोसेस है कि पहले आएंगे कि हम आप ही का सामान लेकर के अपनी दुकानों में बेचेंगे, परंतु उसके कुछ दिन के बाद कहेंगे कि जी आपका सामान अच्छा नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, हम अपना सामान बाहर से लेकर आएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले चिप्स बनाने वाली कंपनियों ने किया था, जब इंडिया आए पंजाब में उन्होंने लगाया, कहा जी हम आपका टमाटो यहीं से खरीदेंगे, आलू यहीं से खरीदेंगे, उसका चिप्स बनाएंगे, उसकी सॉस बनाएंगे। जब उनको लाइसेंस मिल गया उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जी आपका टमाटो बहुत खट्टा है, इससे सॉस बन नहीं सकती, आपका आलू बहुत छोटा है, इससे चिप्स नहीं बन, हम अपना इम्पोर्ट करेंगे। वही हालात FDI आने के बाद देश के बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, और मुझे डर है, मैं सभी चैनल्स पर कई दिन से बोल रहा हूँ कि अगर यही हालात चलते रहे, जिस प्रकार इन्होंने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के साथ किया उनको हटाया है, अगर यही हालात बनते रहे तो हमारे पड़ोसी मुल्क जैसा देश हमारा भारत ना हो जाए, जिससे हमारा पूरा देश आहत है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम, घनघोर कदम उठाया है कि आम आदमी पार्टी से जब जब ये डरते हैं, जब जब BJP को पुलिस को आगे करते हैं, इस बार तो इन्होंने देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था को आगे कर दिया, चुनाव आयोग को, जिसने 20 विधायकों को निलंबित किया है। ये अपनी हिटलर साइड जब तक बंद नहीं करेंगे, अब हम रोड पर हैं। मनोज जी, आपने भी दलितों की बात कही थी, और एक बार प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि दलितों को मत मारो, मेरे सीने पे गोली मारो, और आज दलित जगह जगह पिट रहे हैं, और आज PM मोदी का किसी भी तरीके से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, दलित विरोधी तो ये सरकार है ही भाजपा, सभी जानते हैं कि ये दलितों की विरोधी है, जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, सहारनपुर का कांड सामने है। तो जिसने कहा कि 56 इंच की छाती है, इसके मुझे नहीं लगता 5.6 इंच की भी छाती है, क्योंकि गोली भी उससे बड़ी होगी अगर उसने कहा कि मेरे दलितों को। इन्होंने ऐसा माहौल क्यों पैदा कर दिया कि दलित को खौफ में रहना पड़ रहा है, मुसलमानों को खौफ में रहना पड़ रहा है, व्यापारी वर्ग को खौफ में रहना पड़ रहा है। ये सब इनकी जान बूझ करके रणनीति है कि किसी भी तरह देश को तोड़ा जाए, इसके टुकड़े किए जाएं। हम भाजपा को इस नीति में कामयाब नहीं होने देंगे। अनंत कुमार जी कहते हैं कि हम तो सिर्फ संविधान बदलने के लिए आए हैं, जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं वो पार्लियामेंट के अंदर और इस तरीके के अपने बयान दे रहे हैं।
जी अनंत कुमार जी कहते हैं हम संविधान बदलने के लिए आए हैं और संविधान हमारा खतरे में है। हमारा देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे मजबूत संविधान है, जिसकी चर्चा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में होती है कि हमारे जैसे संविधान आज तक किसी भी देश का नहीं, क्योंकि औकात नहीं है संविधान पे उंगली उठाया है। यहाँ पे दलितों के मसीहा ने वो संविधान लिखा है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे और संविधान पे आंच नहीं आने देंगे।